वैसे तुम्हारे घर पे रहने के बाद, अब्बा साहब के साथ वक्त बिताने के बाद मैंने जाना कि वो इतने बुरे भी नहीं है जितना मैं सोचती थी। मुझे लगता था कि वो बहुत ज्यादा बुरे हैं। इनका पता है, उन्होंने मेरी तारीफ भी की, आशीर्वाद भी दिया। बोल ना। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। मेरे आजी के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता फिलहाल के लिए, क्योंकि उन्होंने जो ताई के साथ किया है वो, पर जो तुम्हारी आई के बारे में जो मुझे लगता था ना, वो शायद गलत था। चला जस्ट होप कि आज गुड़ी पड़वा है तो आज सब कुछ अच्छा हो जाए। अगर आराध्या मैंने तुम्हारे कहने पर अगर वो पेन ड्राइव नहीं बदला होता तो, और अगर सभी ने देख लिया तो पता नहीं अब इस वक्त क्या क्या हो रहा होता। थैंक्स टू यू आरव। उस दिन से आवाज अपने मेरे ऐसे की तैसे करके रख दी है। अब मैं उनको दिखाऊंगा असली गुनेगार कौन है। इस गुड़ी पड़वा पर उन देवदासियों को अपनी औकात पता चल जाएगी। हमारे पोते को परखलाने की कोशिश की। इस लड़की का तो बंदोबस्त कर ही दिया है हमने, अब लगे हाथ उस कुमुदिनी का भी पत्ता साफ कर देते हैं। सारे फसाद की जड़ तो वही है। जावे बापू जी, बाक्या को बोल देना जी। आवाज है मेरी टोपी हाजिर है सरकार, जल्दी से शुरू कीजिए ड्रामा। गलती हो गई हमारी, तुझ जैसे मूर्खों को पाल रखा है हमने। अरे तुझे अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, कैसे करेंगे हम डीलिए? जो भी कर रहे हैं हमारे पोते के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन देखो है कहाँ वो, अब कौन करेगा अंग्रेजी में गिटपिट उन फिरंगियों से। हाँ 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 सरकार। ए लड़की इधर आ। जी आपा साहब। तुझे अंग्रेजी बोलनी आती है क्या? तुझे बिजनेस प्लान्स वगैरह कुछ समझ में आता है क्या? हाँ मुझे समझ है, मैंने कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट ही पढ़ा है। आप मुझे पेपर्स बता दीजिए, मैं पढ़कर समझ लूंगी। देख ले पेपर्स देख ले, सब कुछ समझ ले। इसमें सब कुछ। मीटिंग के लिए हमें गुलाब बाग जाना है, थोड़ी दूरी पर है। चलेगी ना हमारे साथ लड़की? ओ आपा साहब। पढ़ 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 ले। लगता है आज तो ताता थैया के पूरे खानदान का सूपड़ा साफ करके ही मनाएंगे आबा साहेब गुड़ी पड़वा। ए बनवारी। सरकार। तू यहाँ खड़े खड़े हमारा खून मत खोला। चल। हाँ सरकार। दे दे वो भी तेल का डब्बा दे। हाँ कितनी साले। अरे गजब देखो, आबा साहब का पोता देवदासी के साथ घूम रहा है। वो भी उसका थैला उठाकर। आर्यन तुम्हें क्या जरूरत थी हमारे साथ आने की? लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है तुम्हें अब घर जाना चाहिए। आंटी जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, मुझे लगता है हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही रहने का है। आर्यन तेल का डब्बा ले ले, आ जा। जी। अरे आई तू चल, मैं नारियल लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी आ। हाँ आई। आर्यन तुम जरा नारियल लेकर आओ, मैं वहां जा रही हूँ कपूर लेने। हाँ जी।
ये बाबा साहब आराध्या को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहा तो उसे देखना तक पसंद नहीं करते। पर आज पहले तो उसे गुड़ी बंधवाई और अब अपने साथ बाहर लेकर जा रहे हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आंटी आंटी आंखें खुली प्लीज। आंटी 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 आपको सुनाई दे रहा? आंटी आपको मेरी आवाज आ रही है? आंटी आंखें खुली। एक मिनट में उठा रहा हूँ। आराम से चल, जल्दी चलो, जल्दी अस्पताल चलो। अरे देवा, कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत ब्लड लॉस हो चुका है, ब्लड बैंक से ब्लड मंगवाना पड़ेगा। तो आप मेरा ब्लड चेक कर सकते हो, अगर सेम ब्लड ग्रुप हो तो आप यूज कर सकते हो। मेरी बेटी का खून मैच हो जाएगा। आखिर ये आखिर ये दिल से चाहता है ना, मेरी बेटी को बचाना चाहता है ना। आप मेरी शक्ल मत देखिए, मेरा दिल कहता है कि इसका खून मेरी बेटी को ही बचा सकता है। हाँ आप अब जल्दी जाइए, मैं तो बुढ़िया हूँ, बीमार हूँ, मैं खून नहीं दे सकती। ये जवान लड़का है, ये दे सकता है खून। तू जा 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 जा। देवा रे देवा, तुझसे क्या छुपा है आज तक? मैंने कुछ नहीं छुपा है, बस मैं जानती हूँ कि यही लड़का मेरी बेटी को बचा सकता है। मेरी बेटी को बचा ले देवा, मेरी बेटी को बचा ले। अरे भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओए 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 ओए, सारे धन्ना सेठ आ गए, आंख एकदम तृप्त हो गई आप लोगों को देख के। भाई आज गुड़ी पाड़वा का दिन है, 3:30 मुहूर्त में से एक दिन, बड़ा ही शुभ मुहूर्त है एकदम। हे भगवान, तू तो मुझसे प्यो। हाँ तो भाइयों, जीवन में ऐसा दिन फिर आपके कभी नहीं आएगा। भैया बनवारी, मुद्दे की बात कर, क्या मिलेगा हमें? अरे किसकी नीलामी है वो तो जल्दी बोल। अरे शिंदे सेठ, धीरज रखो, नोट लाए हो ना? क्या है भाई, जो फेंकेगा ज्यादा पैसा वही देखेगा असली तमाशा। तमाशा कैसा तमाशा? देख बनवारी, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कर। अरे 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 कलंत्री साहब, अरे शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। ये बनवारी की तो आदत है बातों की जलेबी तलने की। देखिए गुलाब बाग में तमाशा नहीं, नीलामी होगी, नीलामी। ए बनवारी, वही माल लाया है क्या? बुढ़ाओ खुसट, पनौती तू फिर से आ गया, पांव कब्र में अटके और दिल जवान लड़की में अटके।
उड़ाऊ। तू लगाने आया है गोली? आज तो नहीं पिटवाएगा ना? हाँ तो साथियों बोलो तैयार। अरे तैयार है, एकदम तैयार है। हाय हाय हाय। अरे भाई आराम से आराम से। सबर का फल मीठा होता है लेकिन खट्टा भी होता है। समझदार को इशारा काफी है। रेस्ट कीजिए, आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए फिर आप उठ सकते। तुलसी तुलसी सब मत सोच, अब तू बस आराम कर। हाँ शांत बस, तू जानती है ना कितना जिद्दी लड़का है ये मेरी बात नहीं सुनेगा। अब जो भी हुआ है ना सगल देवाची मर्जी। हाँ सब कृष्ण ने राह दिखाया है। तुलसी मेरे लिए ना तेरी जिंदगी से बढ़कर और कोच नहीं रे। आई अब साहब को पता चल गया तो। आंटी मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ कि मैं आभा से डरू। मुझे जो सही लगा मैं वही कर रहा हूँ। आप इतना मत सोचिए आंटी, कुछ नहीं होगा। आप रेस्ट करिए ना प्लीज। होगा सरकार, रंगमंच सज चुका है, बस इंतजार है मंच पे छोटी ताता थैया के आने का। आर्यन को मैसेज कर देती हूँ, बता देती हूँ कि मैं गुलाब बाग में हूँ। उसके लिए एक सरप्राइज है उसके आबा साहब की तरफ से। सर खुजाएगा लुआई क्यों, समझ नहीं पाएगा। गेस करो मैं कहाँ हूँ, किसके साथ जा रही हूँ। आपा साहेब के साथ, और वो भी तुम्हारे लिए एक स्पेशल डील करने। सरप्राइज देना है तुमको, सोचो क्या है वो, सोचो सोचो। वेल तुम्हारा दिमाग तो स्लो है ना। एक क्लू देती हूँ, मैं गुलाब बाग जा रही हूँ। इसे मैसेज करिए लड़की। कुछ नहीं आपा साहेब, वो एक फ्रेंड को बता रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस लड़की का फोन लेना पड़ेगा। अगर किसी को पता चल गया कि ये हमारे साथ कहीं जा रही है तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। वो क्या है ना लड़की, ये डील हमारे जिगर के टुकड़े के लिए हम कर रहे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम कौन से डील के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये बात किसी को पता ना चले। क्या है, किसी की भी नजर लग सकती है ना। हम्म,
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बसा। अगर नहीं बताने से आर्यन का अच्छा होने वाला है तो फिर मुझे भी नहीं बताना चाहिए, डील होने के बाद ही बताऊंगी। आंटी एक सेकंड, मैं ऊपर कर दूंगा तो। कैसे? होगा हो, थाम गा, थाम थाम थाम, और थोड़ा सा बस रे बस, थोड़ा पी ले, अच्छा लगेगा आराम से। थोड़ी देर बाद हो और पी लेना, मेरे को बता दे, मैं पिला दूंगी। तूने ना बहुत बड़ा उपकार किया मुझ पर, हाँ एकाई पर, ये एहसान मैं कभी भूलूंगी नहीं। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं जो आज तूने किया, मेरी बेटी को बचाया तूने। देवा रे देवा, कृष्ण देवा, और ये जो तूने किया ना, ये एक बेटा ही कर सकता है अपनी आई के लिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा प्लीज, आंटी भी तो मेरी आई जैसी है ना, अगर मेरी वजह से अगर उनकी जान बच गई मेरे खून देने की वजह से, तो मेरे लिए तो आपको कैसे बोलूं, मेरे लिए तो ऐसा है जैसे मैंने बाबा के सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है। आर्यन, देवा रे देवा, ये यहां भाई, तू उस पे सब ध्यान मत दे, तू आराम कर, हाँ आंखें बंद कर ले, सो जा। आई आई, मेरी बात तो सुन ले एक बार, आई आई मेरी बात तो कुछ नहीं सुना मुझे, जैसा बाप वैसा बेटा, आई बस यही दिन देखना बाकी था। वो तो अच्छा हुआ कि नक्कू ने सब कुछ देख लिया और मुझे आके बता दिया। वाह आर्यन वाह, क्या दिन दिखाया तूने आज मुझे, बाप ने दिल दिया, और आज 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 बेटे ने खून। बताना आर्यन, किन पापों की सजा दे रहा है तू मुझे? तू जानता है उस देवदासी ने मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया, मेरा घर जिसने तोड़ा, उसको आज तो खून लेके आया। आर्यन क्या हो गया तुझे? आर्यन बताना, अपने आई के आंसुओं की कसम खाई थी तूने, क्या हुआ, भूल गया सब कुछ? प्लीज मेरी बात देख। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आर्यन आज तूने मुझे मराया मरा दिया। ये तो होना ही था, सुन भाई। यहाँ तो सारी दुकानें भी बंद है, यहाँ कौन आएगा? नहीं वो क्या है लड़की, आज गुड़ी पड़वा है ना, नया साल, तो सब लोगों ने शायद अपनी दुकानों की पूजा की होगी, गुड़ी बांधी होगी और फिर अपने अपने घर चले गए होंगे। खुशियाँ तो घर वालों के साथ मनाई जाती है ना। क्या है? वो जो फिरंगी डील करने आ रहे हैं उनको हमारी जगह देखनी थी और वो जगह यही कहीं। लगता है हम वक्त से पहले आ गए, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ हम भी वही सोच रहे हैं, अभी उनको फोन लगाते हैं। हाँ कहाँ है आप, वेर
हाँ अच्छा हाँ 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 ठीक ठीक ओके ओके हम आते हैं। हाँ ओके। वो हुआ क्या है, दो गाड़ियां थी तो दोनों भटक गई, एक एक तरफ चली गई एक दूसरी तरफ। तुम एक काम करना, तुम यही रुको, वो दूसरी गाड़ी अगर आती है तो उनके साथ यही रुको, हम दूसरी गाड़ी वालों को लेकर आते हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यही इंतजार करूंगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें ये भी पता नहीं बाबा साहब आराध्या को कहां लेकर गए हैं? झूठ बोल रहे हो, अब खड़े खड़े मैं मुंह क्या देख रहे हो? जाओ पता करो कहां है, जाओ। एक तो मुनीम जी और मार्कंड बाबू भी गायब हैं, तब से जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे तभी रोक लेना चाहिए था आराध्या को, सब मेरी गलती है। तुम सबके सब एक जैसे हो, किसी को परवाह नहीं है मेरी, पता नहीं क्या जादू कर दिया उन्होंने। क्या हुआ पवित्रा, क्या हुआ? आई मेरी बात सुन लो आई, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो आई। पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि तुलसी आंटी हो, पर वो सच नहीं है आई। तो तुझे लगता है ना उनके बारे में, वो बिल्कुल सच नहीं है, अच्छे लोग हैं वो लोग। दो दिन उनके हाथ की रोटी क्या खा ली तूने? तू तो उनके हाथ बिक गया रे, अपने आई की आंसू दुख सब कुछ भूल गया तू। ऐसे हो सकता क्या आई? क्या आई बेकार में अपना मन खराब कर रही है आई, इससे बढ़कर जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। अरे ठीक कह रहा पवित्रा, ये वही आराध्या है जिसने आर्यन की जान बचाई थी, और शायद इस समय आराध्या की जान खतरे में। खतरे में क्या हुआ बाबा, क्या हो गया? बाबा साहब आराध्या को अपने साथ लेकर गए, उसके बाद ना बाबा साहब फोन उठा रहे हैं, ना ही आराध्या का फोन लग रहा है, और ना ही उनके आदमी बताने के लिए तैयार है कि वो कहां गए हैं। अरे आर्यन मुझे किसी बड़ी गड़बड़ की आशंका हो रही है, जाके पता करो बेटा, जाओ बेटा। हाँ हाँ बाबा, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, कुछ काम हो सकता है ना आराध्या से आवा। कौन सा काम बेटा, बाबा साहब को आराध्या के साथ क्या काम हो सकता है? और बाबा साहब को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, कोई नहीं। मान करे आराध्या एकदम ठीक ठाक हो, अरे उसके घर वाले मेरी गयू का इतना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं पता करूंगा ना। रुक जा आर्यन, उस देवदासी को खून देके तेरा मन नहीं भरा, ये अब उसकी बेटी को बचाने के लिए झंडा गाड़ रहा है? बात सुन ले, सबर रख प्लीज। तो मुझे यकीन हो गया है, उन देवदासियों ने तुझ पर और तेरे बाबा पर कोई जादू टोना कर दिया है। नहीं आर्यन, तू मेरी कसम खा, कहा कसम कि तू उसे बचाने नहीं जाएगा। लेकिन मैं नहीं, वैसे नहीं मानेगा। एक मिनट, आई क्या कर रही है? आई 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 पागल हो, आई पागल हो गई तू? कहा कि अभी पुणे चला जाएगा? कहा कसम आ रही है, कहा कसम? अच्छा मैं जाऊंगा, मैं अभी क्या भी जाऊंगा, ठीक है अभी कसम कसम खा करूं, पहले छोड़ मैं कसम खाता हूं, ठीक है मैं कसम खाता हूं, अभी तुम सब्र रख प्लीज, जाऊंगा ठीक है अभी क्या भी। देर हो गई, बाबा साहब अभी तक आए क्यों नहीं? मेरा फोन भी उन्हीं की गाड़ी में रह गया, किसी को कॉल भी नहीं कर सकती मैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो? छोड़ो मुझे।
बड़ी आसानी से फंस गई पिंजरे में चंचल चतुर चुलबुली बुलबुल। बनवारी छोड़ दो मुझे, पुलिस सब कुछ जानती है तुम्हारे बारे में, तुम पकड़े जाओगे, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। बस बस बस, वही तो याद है तुझे वो घटना है? क्या है, उस दिन मजा ना अधूरा रह गया था, उसे पूरा करना है। आधे अधूरे खेल का मजा ना बड़ा लुल्ल सा होता है, आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए। मार्कंड बाबू जी। अरे भाई, इन्वेस्टरों के पास ले चलने का मुहूर्त आ गया है इसको, है? तो चलो। हाँ ले चलो, उठाओ। इन्वेस्टर्स यहीं पे आ रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे छोड़ दो। और अगर आबा साहब उनके साथ यहाँ पर आ गए और देखा ना कि तुमने मुझे इस तरह से पकड़ के रखा, तो छोड़ेंगे नहीं वो तुम्हें, समझे? छोड़ो मुझे। अरे आबा साहब, बेचारे आबा साहब को तो पता भी नहीं है कि यहाँ पे बड़ा तमाचा होने वाला है। वैसे हमने उनको फोन करके बता दिया है कि इन्वेस्टर का प्रोग्राम कैंसल हो गया है, वो घर पे जाए, हम खुद तुम्हें छोड़ने आएंगे। ये उम्मीद छोड़ी दो कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। मैंने आर्यन को भी मैसेज सेंड नहीं किया था, किसी और को भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। हे देवा, मैं क्या करूँ? अरे उदास क्यों हो रही है पगली? बड़े अनोखे किस्म के इन्वेस्टर है वो, फैक्ट्री प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं लगाएंगे, तुझ पे लगाएंगे। नहीं समझी? अरे पगली, नीलामी होगी तेरी।